वेलकम बैक टू करियर गोल्स। आई होप ऑल आर गुड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के जो आपका 11 चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने, 11 चैप्टर फर्टिलिटी का जो टॉपिक नेम है, मींस चैप्टर नंबर 11 टॉपिक इज फर्टिलिटी, सब्जेक्ट इज एंथ्रोपोलॉजी एंड पीपल फर्स्ट। ओके, तो चैप्टर 11 टॉपिक दिस, सब्जेक्ट दिस, पीपल फर्स्ट। कल की जो क्लास थी वो मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक को लेके थी, ठीक है। आई होप सबने कल की क्लास देखी होगी। एंड आज का जो टॉपिक है वो उसी के आगे का पार्ट है। देन फर्स्ट पार्ट जो है उस चैप्टर का, 11 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, इस फर्स्ट पार्ट था मोनोपॉज वगैरह, एंड देन इज ए फर्टिलिटी पैटर्न एंड डिफरेंशिएशन इसमें आएगा। देन हम डेमोग्राफिकल थ्योरी, बायोलॉजिकल सोशन, कल्चरल थ्योरी जो है ट्राई करेंगे कि आज ही के लेक्चर में वो कंप्लीट कर लें। देन आज ही के लेक्चर में हम लोग वो कंप्लीट कर ले, ना कि तो फिर कल हम उसको कंप्लीट करेंगे। कल अगर हम वो कंप्लीट करेंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ कंप्लीट करेंगे, लाइक जो उसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है वो भी, एंड देन कल्चरल बिहेवियर टाइप वो सब कुछ। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टिलिटी? जो वर्ड आया है वो किस, रूट इज अ फर्टिलाइज, ठीक है, bearing in the terms of the fruitful to bear, the ability to conceive a bear a child and the ability to become a pregnant through the normal sexual activity, so hum log kya bolte hain, fertility. Fertility is the ability to have a babies to reproduce. When fertility rates in the community increase, more babies are born. Fertility rate kya hota hai? The ratio of living birth in an area to the population of that area express per thousand population per year. Fertility can be ascertained from the statistics of the birth. The study of the fertility does not indicate the level of this, for which there is no direct measurement. According to the Thompson, take care, it's a biological potential, physiological capacity to participate in the reproduction. The absence of the potential is known as a fertility, and it is a capacity to conceive or a baby conceive or a bear a children. अब कुछ टर्म्स आते हैं इसमें, जो मेन मेन टर्म्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, पार्शलिटी, ग्रेविडिटी, देन ये 3-6-7 टर्म्स हैं जो इसमें मेन होते हैं। तो फर्स्ट इज अ फर्टिलिटी, God. First is fertility, is production of life, birth. ठीक है, infertility, inability to produce a life, birth. मतलब fertility आप किसी को birth देते हैं, किसी जीवित प्राणी को। Infertility अगर आपके अंदर इतनी capability नहीं है, इतनी ability नहीं है कि आप किसी new living birth baby को या living new human being को birth दे पाए, ठीक है, it's called infertility. Partial number of children born alive to the woman, ठीक है, number of pregnancy woman has had, whether or not they produce a birth, physiological capacity to conceive or reproductively potential, ability to woman to conceive a pregnancy, primary and the secondary, primary is never able to conceive a pregnancy, and secondary is the ability to conceive after one or more children have been born. Probability that a woman will conceive during a menstruation cycle, ठीक है। तो ये सब चीजें थी मेन जो मैंने आपको, मेन वर्ड्स हैं ये, ठीक है। मेन वर्ड्स हैं ये जो आपके, मेन वर्ड जो हैं ये आपके काम आ सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को अभी इसमें कुछ भी
छोटा मोटा अगर किसी को कहीं डाउट होता है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में। ठीक है गाइस, चलिए अब आगे की चीजें देखते हैं। आई होप कि आप सब लोगों को ये मीनिंग समझ में आ गए होंगे, ये वर्ड्स के मीनिंग आप सबको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर किसी को भी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है एंड द सोर्स ऑफ डेटा क्या क्या है? ठीक है, फर्स्टली तो इम्पोर्टेंस क्या क्या है? ओके, आई थिंक सबको यहाँ तक पूरा क्लियर होगा। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पर्सनली भी आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस इज ए फर्टिलिटी बिहेवियर ऑफ ए गिवन टाइम शेप ऑफ द गिव शेप्स टू द फ्यूचर एंड एज सेक्स द स्ट्रक्चर। स्टडिंग द फर्टिलिटी बिहेवियर एज एन ए इम्प्लिकेशन ऑन द ओवरऑल वेलफेयर प्लानिंग प्रोसेस द प्रोड्यूस द एल्ट्रेशन इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। क्या सोर्सेज डेटा? सोर्स डेटा क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ द वर्चुअल इवेंट, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जिसे SRS बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसे हम NFHS बोलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द फर्टिलिटी, दे आर द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट इज द डायरेक्ट सोशल फैक्टर, सेकंड इज अ डायरेक्ट सोशल डायरेक्ट फैक्टर इंक्रीजिंग फर्टिलिटी, थर्ड इज अ अदर सोशल फैक्टर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट सोशल फैक्टर इज द एज ऑफ मैरिज, पॉलीगैमी, सेपरेशन ऑफ डिवोर्स, विडो, पोस्ट डेथ, सेलिबेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। ठीक है, डायरेक्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फर्टिलिटी, ओरल पिल, कॉन्डोम, अबॉर्शंस, ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, अदर सोशल फैक्टर इज फूड सप्लाई, इकोनॉमिकल कंडीशन, फैमिली सिस्टम, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन, पॉलिटिकल सिस्टम, एटीट्यूड टूवर्ड्स द चिल्ड्रन, डिजायर टू मेंटेन स्टेटस एंड रिलीजन। ओके, ये सारी चीजें हैं जो किस पे इफेक्ट करती हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो फर्टिलिटी पे इफेक्ट करते हैं। एज ऑफ मैरिज, मैरिज इज जनरली यंग इन द सब अफ्रीकन देन द यूरोप। मुस्लिम हैविंग अ मोर देन वन वाइफ, डिवोर्स्ड। सेपरेशन इज ऑलवेज वर्किंग विद द अर्बन माइग्रेट इन दिस, ऑफन यू हैव द सेक्स पोस्ट बर्थ, नॉट वॉन्टिंग सेक्स आफ्टर ए चाइल्ड, नेचुरल इनएबिलिटी टू कंसीव और हैव द चाइल्ड, पैथोलॉजिकल डिजीज रिलेटेड ड्यू टू द इन्फेक्शन। ठीक है, पेल्स वगैरह, अबॉर्शन वगैरह, गवर्नमेंट से पॉलिसीज जो है, द व्यू ऑफ द चिल्ड्रन, वे इन विच बर्थ रेट कैन बी चेंज, इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, लेवल ऑफ द एजुकेशन, नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, टाइप ऑफ रेजिडेंस, रिलीजियस, हेल्थ एंड द फैमिली स्टेटस आर यूज टू द मेजर ऑफ द फर्टिलिटी। क्वान्टिफाई द बर्थ वेट बेटा,
uses of the measure of fertility quantify the birth performance of population over a period of a time used to compare the fertility level of a number of population during particular time interval exhibit the time trend in the fertility in a population in the study of differential fertility by the various socio economical racial and ethnic groups ठीक है तो quantify the birth performance पहली चीज कंपेयर करना द फर्टिलिटी लेवल ठीक है थर्ड इज स्टडी ऑफ द डिफरेंशिएशन वो फर्टिलिटी ठीक है ये तीन चीज जो है वो मेजर यूज ऑफ द मेजर फर्टिलिटी है देन क्रूड बर्थ रेट क्या होता है दिस इज द नंबर ऑफ गिवन बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन ए गिवन एरिया तो CBR निकालने के लिए आपका इजी फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिव बर्थ नंबर ऑफ लिव बर्थ divided by the total population into 1000 birth only the one component of the population change and the birth rate should not be confused with the growth rate which induced all components of the changes general fertility rate kya hota hai jisko hum GFR bolte hain GFR also called as a fertility rate isko hum log generally fertility rate bhi bolte hain the number of live of birth पर 1000 ठीक है एंड यूज द नंबर ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड वेयरिंग एज 15 to 49 इन ए पॉपुलेशन इज द बेस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द BR रेदर देन द टोटल पॉपुलेशन इन इट ओनली द पॉपुलेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इज टेकन इनटू दिस कंसिडरेशन This is the number of live birth per 1000 women in a reproductive age ठीक है तो आप GFR कैसे निकाल सकते हो नंबर ऑफ लिविंग बर्थ जो भी लिविंग बर्थ है ठीक है देन उसके बाद नंबर ऑफ वुमेन एज इज 15 to 49 ठीक है एंड देन इनटू द 1000 ठीक है इस तरह से जो है आप लोग क्या निकाल सकते हो GFR मीन्स इज जनरल फर्टिलिटी रेट और जनरल फर्टिलिटी रेट को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं और इसमें वुमेन्स की क्या एज दी हुई है 15 to 49 ठीक है नेक्स्ट ऐसे ही आता है बच्चे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ठीक है जैसे वो था आपका जनरल फर्टिलिटी रेट देन फर्स्ट क्रूड बर्थ रेट ऐसे है एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इट्स वेरी इजी फॉर कैलकुलेशन नंबर ऑफ बर्थ टू द वुमेन एज ए डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वुमेन एज इनटू 1000 ठीक है लाइक मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट आप उसको ऐसे समझ सकते हो आप ऐसे समझ सकते हो इस चीज को बहुत इजीली कि नंबर ऑफ द बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ द स्पेसिफिक एज इन ए गिवन एरिया ठीक है एंड फर्टिलिटी रेट इज ए कैलकुलेटेड फॉर द स्पेसिफिक ठीक है स्पेसिफिक एज ग्रुप इन द सी द डिफरेंसेस इन द फर्टिलिटी बिहेवियर एट अ डिफरेंट एज फॉर दिस कंपैरिजन ओवर द टाइम एंड व्हाट इज द एज स्पेसिफिक इज अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ईच एज ग्रुप इन द रिलेशन टू
each age group in the relation to the number of women is that age group is 7 age group used to across the Spain is a 14 to 15 year. And as a age specific fertility rate are normally expressed as per the 1000 women in the each age group. ओके अब किसी को कोई डाउट तो आई थिंक होगा नहीं इसमें. अब इसी तरह जैसे आपने बाकी फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेशन किया है, लाइक आपने जनरल स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट किया, सॉरी जनरल फर्टिलिटी रेट कैलकुलेट किया, देन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट राउंड किया, बर्थ रेट कैलकुलेट किया, लाइक दैट अब नेक्स्ट आता है टोटल फर्टिलिटी रेट कि अब टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, आप लोग उसको भी कैलकुलेट करेंगे. द एवरेज नंबर ऑफ The average number of children that would be born to a woman by a time she ended the child bearing ठीक है. If we pass through the all over the child bearing and confirming through the age specifically fertility rate of the given year, ठीक है, TFR is equals to सॉरी मैं थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी. द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जितने भी दैट हैड बी बोर्न टू द वुमेन बाय द टाइम शी एंडेड द चाइल्ड बियरिंग इफ शी वेयर टू पास ऑल ओवर द हेयर चाइल्ड बियरिंग ईयर कंफर्म टू द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी ऑफ द गिवन ईयर. आप TFR को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, मीन्स टोटल फर्टिलिटी रेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो. AFFR डिवाइडेड इनटू डिवाइडेड द 1000. ओके इससे आप इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल फर्टिलिटी रेट की अभी तक का फर्टिलिटी रेट कितना है वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो. देन इज द ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट जिसको हम लोग GRR बोलते हैं. एवरेज नंबर ऑफ डॉटर दैट वुड टू बी बॉर्न टू ए वुमेन इफ शी सर्वाइव एट लीस्ट ऑफ द एज ऑफ 49 कंफर्म द एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट ऑफ द गिवन ईयर. It is often regarding to the extent to which the generation of daughter replaces the preceding generation of the family or generation of the female. GRR is restricted to the number of the female children and the value of GR is half to the value of FR. And what is the FR? FR is the fertility rate. Okay? टोटल FR इज टोटल फर्टिलिटी रेट. तो आप GR को कैलकुलेट करने का GRR को कैलकुलेट करने का इट्स वेरी इजी एंड नॉर्मल फिनोमेना. दिस नंबर ऑफ फीमेल बर्थ एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बर्थ इनटू TFR मींस TFR means is total fertility rate. ठीक है. Cumulative fertility rate is just like a TFR with the only the difference is that its rate indicates the number of children produced by the 1000 women during the whole fertility period. अब next आते हैं child ever born. Child ever born को हम लोग क्या short form में बोलते हैं CEB. CEB. Okay. It is computed from or the sample survey by asking the woman their age and the number of given birth they ever had, including those with the die since the birth. Provides one measure of the population fertility. Useful only if the age group of women is considered. Data can be used for the demographer to indirectly estimate kiska AFFR matlab. ASFR is a age specific fertility rate and next is a TFR. This TFR is total fertility rate. Okay, shows the how many children data can be used by the demograph to indirectly estimate the ASFR
and TFR in a population, and CEB are the women over ages 49. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, complete fertility rate. 49 age जो है women's की, इसको हम लोग बोलते हैं common, इसको हम लोग बोलेंगे completed fertility. नेक्स्ट, उसके बाद रिप्रोडक्शन मेथड. There are the three types, gross, net, ठीक है. Then fertility rate year wise 2001 and 2011 तक का. The total fertility rate for the states. Common determine the fertility rate. Fertility rate and the age at the marriage. Education. Cause of the fertility. Cause responsible for the higher fertility. ये सब चीजें आपकी फर्टिलिटी में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है. तो रिप्रोडक्शन मेजर में ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, जिसको हम लोग GRR बोलते हैं, द नंबर ऑफ फीमेल बर्थ एट ए एवरेज वुमेन वुड हैव इफ शी लिव थ्रू द एंड ऑफ हर रिप्रोडक्टिव स्पैन. Mean word is reproductive span and net reproduction rate, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं NRR, the average number of daughter the family if the female member of the birth would bear during their reproductive lifespan if they were subject to be observed age specific maternity rate and mortality rate through the lifetime. So NRR is equal to the equal exact replacement fertility. Replacement fertility. ठीक है. तो 2001 में इंडिया की फर्टिलिटी रेट था 3.8, पाकिस्तान इज 4.29 एंड जापान इज 1.33. India is 3.18, Pakistan is 4.29 and Japan is 1.33. And 2011 में वो fertility rate सबका down हो गया and then India आ गया उस पे 2.53, Pakistan is 3.35 and Japan is 1.39. Okay. Like India में भी Kerala का जो fertility rate था वो था, पूरे इंडिया जब पूरा इंडिया का फर्टिलिटी रेट 3.08 था तब केरला का फर्टिलिटी रेट था 1.70, ठीक है. और 2011 में जब इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.53 था तब केरला का फर्टिलिटी रेट 1.70 ही था. मींस 2001 से लेके 2011 के बीच में केरला के फर्टिलिटी रेट पे कोई डिफरेंस नहीं आया बट इंडिया के फर्टिलिटी रेट पे डिफरेंस आया था. ओके, नेक्स्ट इज द टोटल फर्टिलिटी पर स्टेट. ये स्टेट वाइज आपको फर्टिलिटी रेट शो हो रहा है, ठीक है. जितना इस कलर में मेंशनड है इज 1.8 टू 2.1, 2.2 टू 2.4, 2.5 टू 3.6 एंड ये डार्क शेड वाला पोर्शन, लाइक ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन एंड ये और ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन की जो फर्टिलिटी रेट है 3.7 टू 4.0, ठीक है. Replacement or the above replacement 10% 35
टेंथ स्टेट में 35% पॉपुलेशन में, टीएफआर इज 2.1 to 2.46 पर स्टेट 20% पॉपुलेशन, TFR is a 2.5 to 3.6 is a 9th state to the 19% population, and 3.7 to 4 state is 25% population. Can poverty determine the fertility? Most of the UDC as the poverty ridden, and the couple remains at the home as cannot afford going out and enjoy the sex, which increase the fertility. Due to poverty, there is always shortage of protein in the body, which is responsible the higher fertility. Fertility at the age of marriage. Every in the child marriage has been observed that is a developing country due to the climate and the other reasons. Girl each at the early age at the search of the period of the reproduction of the age is lengthy. Theek hai. After marriage, LDCC, the women are considered to live in the house shelter that they produce the children. Since the chance of the employment and education facilities are limited, the women always live at a home and feel pleasure in the bring up and playing with other children. Thus, fertility goes up. Education and fertility. Fertility among educated women is lower as compared to illiterate women. Education and fertility have started the close relationship. Educated women are the quite conscious of having a limited family size. At the age when there are the very bright chance to having a good fertility, the girls are in the college and university and does not get a children, which during this period uneducated girls get. In any cases, educated girls get employed and with employment they cannot afford to have a children. Span of the children producing time in the case of the educated woman is less as compared to the literate woman. Jo bhi developing countries and the percentage of the educated woman is higher as compared to the UDCC. Since the woman and the man both are the, they do not allow the fertility rates to go up and as long as considered the absolutely necessary for the couples. Usually, educated women get married at the late stage and also believe in the concept of the small planned family. Just a few years of the education lead to the reduction in the fertility. TFR of the woman with no education is a 3.5. 5 years of education is a 2.5 and 12 plus years of the education is fertility is 1.8. Cause of the differential fertility, like a desire for the planned family, high level standard, urbanization, education among the women, non-dependence on the man, walking above women, decreased influence of the religion, emotional need of the children, and the status symbol. Cause responsible the higher fertility, early and the child marriage, religion and the social values, lack of the female education, less social waking, no desire for high living standard. Take care. Agriculture has the main occupation. Difficulties the family planning program, less urbanization, less expensive bringing up. Take care. So guys, ये सब था आपका जो fertility and differential fertility वाला जो topic था. Sorry. जो आपके चैप्टर 11 में टॉपिक 11.1 जो था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइस. लाइक ए मोनोपॉज भी मैंने आपको कल कंप्लीट करा दिया था एंड अदर बायो इवेंट टू फर्टिलिटी. Then fertility pattern and ये सब आज complete हो गया.
ठीक है। तो गाइस ये 11.1 जो टॉपिक था आपके पूरे चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। देन 11.2 आपका जो भी है, लाइक आपका 11.2 में आपके टॉपिक्स आएंगे डेमोग्राफिकल थ्योरी, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चरल। ये टॉपिक आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। कल इज डेट इज 8, तो 9th ऑफ मई तक, जस्ट वेट, 9th ऑफ मई तक आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन फिर से मैं स्टार्ट करूंगी आपका 12th चैप्टर, जिसके अंदर आपको एप्लीकेशंस बतानी है, वो खाली आपका 1 डे में कंप्लीट होगा। लाइक 10 मई को आपका चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद मेरे पास बचते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 डेज, जिसमें मैं आपको रिसर्च मेथड और जो भी थ्योरी पार्ट बचा है, देन अगर इसमें भी 1 डे एक्स्ट्रा लगता है तो 11 तक ये कंप्लीट, एंड 12, 13, 14 एंड 15, नेक्स्ट 4 डेज में ट्राई है कि मैं आपको रिसर्च टॉपिक जितने हैं आपके वो कंप्लीट करवा दूँ। एंड देन जो आपका थ्योरी वर्क बचा हुआ है, थ्योरी वो टॉपिक जो भी बचे हुए हैं, मैं वो कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा अभी नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज का, मतलब नेक्स्ट वीक तक का पूरा एक लेसन प्लान टाइप में बोलो ये रेडी है, जिसमें मेरे को कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली क्या, कल की क्लास में 101% मेरे को बायोलॉजिकल एंड सोशल कल्चर जो है आपका डेमोग्राफिकल पार्ट जो है वो मुझे कल कंप्लीट करवाना है। मतलब 11.2 जो टॉपिक है पूरा वो कल की क्लास में मुझे कंप्लीट करवाना है। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देन 9 को हमारा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचते हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, मतलब 6 डेज। 6 डेज के अंदर हम लोग इजीली प्रैक्टिकल, मतलब जो एंथ्रोपोलॉजिकल एप्लीकेशंस हैं, रिसर्च हैं, और वो दो तीन कुछ थ्योरीज बची हुई हैं वो हम सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे 15 तक। 6 डेज में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई नो इस मंथ के स्टार्टिंग में मैं एक दिन ब्रेक ले चुकी हूँ, क्योंकि उस दिन आई एम नॉट वेल, बट अभी कोई ब्रेक नहीं होगा। 15 तक रेगुलर क्लासेस रहेंगी, 9-15 को ही मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। देन हम शेड्यूल करते हैं कि उसके बाद हम लाइव कब जाते हैं कि क्या है, वो जो भी होगा वो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगी एंड आपको बता दिया जाएगा हर चीज़, जिससे आपको इजी रहे। ठीक है, चलिए गाइस आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, इसी टॉपिक पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को फर्टिलिटी रेट एंड देन जनरल फर्टिलिटी, ग्रोथ स्पेसिफिक फर्टिलिटी, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इजीली क्लियर हो गई हो। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, देन आप मेरे से वहाँ पे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ फाइनली वन स्टेटमेंट, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई होप आप लोगों को मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है, बट आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करा करें, प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके लोगों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी पॉजिटिव कमेंट्स हैं तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स करें, और नेगेटिव है तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, और अगर कुछ पूछना है तो आई एम श्योर पूछें। और 15 ऑफ मई तक आई विल ट्राई कि मैं आपका ये सिलेबस जो है वो प्रॉपरली कंप्लीट करा दूं। अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही दिन में सब सारे टॉपिक निपटा दूं, बट आई विल ट्राई कि मैं 15 तक सब कंप्लीट करा दूं। देन उसके बाद हम किसी भी एक दिन का जो है वो ऑनलाइन सेशन रखेंगे, मीन्स लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें हम पेपर सॉल्विंग सेशन करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस क्लास, एंड बाय एंड टेक केयर।